नहीं देखिए, तो अभी क्रम ज्ञात करना है हमको, क्रम ज्ञात करना है, मतलब इसमें कितने पंक्ति है, कितने क्या है, इस चीज को हमको बताना है। देखिए इसमें देखिए, ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं स्तंभ, कॉलम बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, कॉलम। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कॉलम है। 1 2 3 4 5, 5 रो है इसमें, मतलब 5 बाय 6 का है ये। चलिए तो इसमें देखते हैं, हाँ अव्यव ए, अव्यव ए इक्वल टू दिया गया है 3 5 4 -2 0 √3 -1 4/9। इसमें कितने पंक्ति हैं, देखिए इसमें 1 और 2, 2 पंक्ति है, पंक्तियों की संख्या दो है, स्तंभों की संख्या 4 है इसमें, मतलब ये अव्यव अव्यव ए 2 × 4 के बेस में है, 2 × 4 के बेस में पंक्तियों की संख्या 2 है। ये आपका पंक्ति है, एक पंक्ति, ये दूसरा पंक्ति, ये आपका अव्यव है 1 2, ये आपका कॉलम है 1 2 3 4, ठीक है, ये आंसर रहेगा। क्लियर? तो निम्न किताबें के क्रम ज्ञात कीजिए, तो क्रम में आप लोगों का यही आएगा, ठीक है। तो पंक्तियों की संख्या 2, स्तंभों की संख्या 4, ये आपका पहला क्वेश्चन के मिस्टर गया। तो इस माध्यम से आप लोगों के समझ में आ गया कि पंक्ति क्या होती है, स्तंभ क्या होती है। पंक्ति को ही हम लोग क्या बोलते हैं, रो बोलते हैं, पंक्ति को हम लोग क्या बोलते हैं, रो, और स्तंभ को बोलते हैं कॉलम, ठीक है। ये आप लोगों का पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित अव्यव का क्रम ज्ञात कीजिए।